सुप्रीम कोर्ट के पास एक युवती और युवक ने खुद के शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों युवक युवती बलिया के नरही थाना के अंतर्गत एक गांव के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़िता युवती के साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन अदालत के लाख चक्कर लगाने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिला। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सोमवार को इस मुकदमे में सुनवाई की तारीख थी, लेकिन इससे हाल ही दोनों ने कोर्ट के पास आत्मदाह की कोशिश की। आखिर दोनों ने इतना गंभीर कदम क्यों उठाया, दोनों के बीच क्या रिश्ता है, इसकी जांच में पुलिस जुटी है। युवती के साथ मौजूद युवक का नाम सत्यम प्रकाश है, उसकी उम्र 26 साल है, वह वाराणसी का रहने वाला है। युवती के आग लगाने के बाद उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में युवती 85% और युवक 65% जल गया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था या सामूहिक दुष्कर्म, इसकी जांच हम कर रहे हैं। वहीं मामले में नई दिल्ली के DCP दीपक यादव का कहना है कि मौके से 2 बोतल मिली है, जिसमें एक में केरोसिन और दूसरे में पेट्रोल है। इनके पास से 2 लाइटर भी मिली है। इसे समझा जा सकता है कि वे प्लानिंग के साथ खुदकुशी करने सुप्रीम कोर्ट आए थे।